पाकिस्तान में तंगहाली और महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहबाज शरीफ ने किसी तरह आईएमएफ के सामने नाक रगड़कर कंगाल पाकिस्तान को बर्बाद होने से बचाया है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि अब पूरे पाकिस्तान में उनकी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शनिवार को जापान के दौरे पर पहुंचे थे। खुशी खुशी बिलावल ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट कर दी, लेकिन जापान पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की, उसे देख पाकिस्तानी भड़क गए और हो गया बिलावल के ट्वीट पर बवाल। दरअसल जापान दौरे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बहन आसिफ भुट्टो जरदारी के साथ गए थे, जिस पर विपक्ष समेत देश के आम लोग भी भड़क गए। विपक्षी पीटीआई समेत पाकिस्तान के आम लोग पाकिस्तानी सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि देश डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है और देश के अय्याश नेता सरकारी खर्च पर अपने परिवार को दुनिया घुमा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखते हुए पाकिस्तानियों ने सवाल किया कि आखिर जापान दौरे पर बिलावल भुट्टो को अपनी बहन को ले जाने की क्या जरूरत थी। वहीं विपक्षी दल पीटीआई ने आरोप लगाया कि देश डिफॉल्टर होने के कगार पर खड़ा है और राजनेताओं के परिवार सरकारी पैसे से विदेश घूम रहे हैं। पाकिस्तान के लोग सिर्फ यही नहीं रुके, पाकिस्तान के एक इस्लामिक पार्टी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने तो बिलावल और उनकी बहन आसिफा भुट्टो को पाकिस्तान का राजकुमार और राजकुमारी बता दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने ट्वीट में लिखा कि राजवंशों में गुलाम राष्ट्र के नए स्वामी लोगों की कीमत पर तैयार किए जाते हैं। इस देश में दिन रात लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चाहे वो PPP हो या PMLN, इन परिवारों में राजकुमारियां और राजकुमार हैं और पार्टी के अन्य लोगों को दरबारियों और रईसों का दर्जा मिला है। वहीं भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अजीब बात है कि वो जापानी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी मौजूद थे। हम बिना बात के ध्यान भटकाने और विवाद पैदा करने में माहिर हैं। मुझे आशा है कि विदेश मंत्रालय ने सिफारिश की होगी कि वो विदेश मंत्री के साथ आधिकारिक बैठकों में शामिल ना हो। हालांकि पाकिस्तानियों का अपने विदेश मंत्री पर गुस्सा जायज भी है, क्योंकि दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में इस तरह से करदाताओं का पैसा इस्तेमाल करना किसी क्रूरता से कम नहीं है।